रजा, कहाँ हैं आप? घर में कितने सारे काम पड़े हुए हैं। और प्रोफेसर साहब, घर से निकलते वक्त मैंने आपको एक काम कहा था, आपको कुछ याद है या नहीं? अरे वो मुझे याद है अच्छी तरह आपकी बात। मुझे वो दरगाह शरीफ पे वो देना है ना, खाना खिलाना गरीबों को। हाँ, एक तो तुम मन्नत मुरादों पे बहुत यकीन रखती हो। इतने बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन के आगे हमारी क्या हैसियत है? अल्लाह ताला उनके सदके में हमारी मुरादें पूरी कर देता है, यही काफी है। और आपने सबा को नहीं देखा था? मेरी मासूम सी फूल सी बच्ची, कितनी बुरी नजर लग गई थी उसको। 15 दिन तक वो बिस्तर से उठी नहीं थी। तो आया कोई इलाज काम या कोई डॉक्टर? अल्लाह अल्लाह करके तो यूनिवर्सिटी जाना शुरू हुई है मेरी बच्ची। मेरी सबा ठीक हो गई, मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। बस आप जल्दी से घर आ जाइए, फिर एक साथ चलते हैं दरगाह शरीफ, ठीक है? आ रहा हूँ, चलो चलो। हाँ, कितनी प्यारी पिक्चर्स हैं यार, इतना खूबसूरत ड्रेस दिया है इसको इसकी मंगनी पे, तो उसके शादी का ड्रेस कितना प्यारा होगा ना। शादी में तो अभी काफी टाइम है, घर वालों को शादी पसंद था इसलिए भी मंगनी कर दी। अच्छा, सिर्फ घर वालों को? सब आ रही गाइस, पिक्स के बारे में सब कुछ मत बताना, यू नो फ्रेंड्स। Yes, girl, what's up? Hi. All good. क्या बात है, मेरे आते क्यों खामोश हो गए तुम सब? अरे कुछ नहीं, वो इसकी मंगनी हो गई है ना, तो उसकी मुबारकबाद दे रहे थे बस, और कुछ भी नहीं कर रहे थे हम लोग। और दुआ कर रहे थे तुम्हारी पसंद का लड़का भी तुम्हें मिल जाए। Wow. वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में इसके तलबकार कम नहीं है, लेकिन सबा है कि किसी को लिफ्ट ही नहीं कराती। क्या करूं यार, इस पूरी यूनिवर्सिटी में ना मेरे लेवल का कोई लड़का ही नहीं। बात तो सही है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें खुद से बढ़कर कोई हंसी नजर आता ही नहीं है? तो इसमें कौन सा झूठ है भाई, मैं करोड़ों में, तो मैं चाहती हूँ मेरा दूल्हा भी करोड़ों में। अम्मी, आ गया मेरा बच्चा, शॉपिंग हो गई? जी, शॉपिंग करके भी आ गए, और जो बच्चा आपने मेरे पीछे लगाया था ना, उसकी वजह से बेइज्जती भी करवा के आ गए। कौन, जफर? बहुत प्यारा बच्चा है। अच्छा, इतना प्यारा बच्चा है, तो अपने साथ बिठा के सब्जियां कटवाया करें ना उससे, मेरे साथ शॉपिंग पे क्यों भेज दिया? क्यों, अब क्या हो गया? क्या हो गया, एक तो उसको शॉपिंग का कोई सेंस नहीं है, जीरो सेंस है उसका शॉपिंग का, हर जगह जाके लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है वो। आज भी लड़ पड़ा? जी, शॉपकीपर से, वो भी इतनी सी बात पे कि वो रेट्स कम नहीं कर रहा था। पागल है जफर। आपको हंसी आ रही है? हंसे, खूब हंसे। एक बात याद रखे, आइंदा मैं उस लफंगे जफर के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो पास लड़की का गुस्सा। अपने कमरे में गई है और गुस्से में है वो बहुत। गुस्सा तो हमेशा उसकी नाक पे रहता है। तो तुमको क्या जरूरत पड़ी थी उस आदमी से लड़ने की, और वो भी इतनी सी बात पे कि उसने पैसे कम नहीं किए? ताई, मैंने लड़ाई इस बात पे नहीं की कि दुकानदार ने पैसे कम नहीं किए, फिर बल्कि इस बात पे की वो सभा की बात नहीं मान रहा। तुम भी ना पूरे पागल हो। अरे अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, ये सामान उसके कमरे में लेकर जाओ, वरना इस बात पे भी लड़ना शुरू कर देगी वो। अभी जाता हूँ। पार कर ले दोनों। क्या है तुम्हारे सामान? ऐसे क्या देख रहे हो? आप चुनरी अच्छी है। अच्छा, तुम्हें अच्छी लगी है? तो ये लो, इसे तुम ही रखो, क्योंकि अब मैं ये नहीं पहनने वाली।
ये चुनरी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरी बनके मेरे घर आओगी। तुम्हें तो पता है फिरदौस, मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, बस इन्हीं बच्चे बच्चों के रिश्ते करवा कर इनकी दुआएं समेट रही हूँ। खुदा का खास करम है आप पे। मेरी तो बस यही दुआ है कि सब बच्चे बच्चों की शादियां अपने वक्त पर हो जाएं और हर वालिदैन जल्द से जल्द इस फर्ज से सबकदोश हो जाएं। आमीन। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें मैंने कुछ लड़कियों की तस्वीरें दी थी, कोई पसंद आई इसमें से? मैंने आपको इसी सिलसिले में बुलाया था। तस्वीरें तो हमने देखी हैं, लेकिन सभा चाहती है कि उसकी भाभी मास्टर्स हो, और आपने जिन बच्चियों की तस्वीरें हमें भेजी हैं ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक या इंटर हैं। तुम्हें तो पता है फिरदौस, पढ़ी लिखी लड़कियों के मिजाज ही अलग होते हैं। और तुमने बहू से कौन सी नौकरी करवानी है भला? मुझे पता है अम्मी आप इसी तरह तमीज बांध रही हूँ। ये ने खाला, ले जाए इन लड़कियों की तस्वीरें, हमें इनमें से कोई लड़की नहीं पसंद। अरे भाई क्या कमी है इन लड़कियों में? कमी? कोई एक कमी हो तो बताओ ना। मेरे भाई के मेयार की लड़कियों के रिश्ते लाने चाहिए थे आप। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये लड़की की तस्वीर देख रही हैं आप, कितनी दुबली पतली सूखी सी है, ऐसा लग रहा है कि किसी कहत ज्यादा घर से ताल्लुक है इसका, नाक पकड़े दम निकले। ये लड़की कितनी मोटी है, ये मोटी, इससे शादी होगी मेरे भाई की? ये तो मेरे भाई के हिस्से का भी खाना खा जाएगी। और ये, इसको तो मैं भूल ही गई, इससे कॉम्प्लेक्शन देखनी है, कितना डार्क है, कैसे अच्छी लगेगी मेरे भाई के साथ? अगर इसको खुदा ना खास्ता हम ब्याह के घर में भी ले आए तो चलती फिरती बदरू लगेगी। हाँ हो गया है आपको, रिश्ता लाना है तो मेरे भाई के मेयार का लाए ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े रिश्ते हमारे मत्थे थोपने की जरूरत नहीं है आपको। होंगी आपके लिए लड़कियां अच्छी, लेकिन भाई हमें इनमें से कोई नहीं पसंद। अरे 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 छुरी तले दम तो ले लड़की, जिसको तुम चलती फिरती बदरू कह रही हो ना, वो बहुत मजहबी घराने से है, अच्छे और बहुत ही पाकीज़ा माहौल में उसकी परवरिश हुई है। अरे सोमो सलात की पाबंद है, अल्लाह और रसूल पे मुकम्मल एतकाद है उसका। अरे भाई गोरा और काला रंग इंसान के अख्तियार में थोड़ी होता है, और ऐसी खूबसूरती का अचार डालना है क्या, जिसका जाहिर तो उजला हो और बातिन गदला हो? समझाती नहीं है फिर दोस्त तुम इसे? अरे नफीसा बहन हम दरगुजर करें, नहीं उसकी तो आदत है इस तरह से बात करने की, बच्चे माफ कर दीजिए इसे आप। अम्मी आप क्यों माफी मांग रही हैं? इनको पता होना चाहिए कि कैसे रिश्ते लाने चाहिए कैसे नहीं, और मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? आप खुद देखें इन पिक्चर्स को। उफ़ो, तुम चुप करो, जाओ अपने कमरे में जाओ। जा रही हूँ मैं अम्मी, लेकिन एक बात आप याद रखें खाला, इस तरह के टेढ़े मेरे रिश्ते लाने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई का एक मयार है, उस हिसाब से रिश्ते लाया करें। अच्छा खासा मेरा भाई है, पता नहीं कैसे रिश्ते ले आती हैं, और अम्मी को भी समझ नहीं आता। नफीसा भी बच्ची है, थोड़ी नादान है, बच्ची समझ के माफ कर दीजिए कैसे। माफ करना फिरदौस, हाशिम की शादी होगी या नहीं होगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जाते जाते एक मशवरा दे रही हूँ कि जितनी जल्दी हो इस लड़की का मनपसंद लड़का ढूंढ कर इसके हाथ पीले कर दो, क्योंकि गुरूर का सर कभी बुलंद नहीं हुआ, और तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है गुरूर। चलती हूँ मैं। नफीसा बहन आप चाय तो पी के जाइए कम से कम। चाय? या अल्लाह मैं क्या करूं सबा, जो टाइम सही नहीं है ना वो नहीं है बस, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाबा को कोई नुकसान पहुंचे या फिर हमारे घर पे किसी किस्म का कोई अजाब आए। तुमने ना हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। क्यों अम्मी, ऐसा क्या किया है मैंने? मैं कौन से टीवी ड्रामों की हीरोइनों की तरह घर से भाग गई हूँ, या किसी फिल्म की हीरोइन की तरह आइटम सॉन्ग किया है मैंने जो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा? बहुत जबान चलने लग गई है तुम्हारी,
पता नहीं नफीसा बेगम तुम्हारे बारे में क्या सोच रही होंगी। सोचने दे उन्हें जो सोचना है। पहले तो तुम्हारे लिए रिश्ते लेकर भी आ रही थी, अब तो वो भी नहीं लाने वाली। तो ना लाए हम कौन सा उनके आश्रय बैठे हैं? कैसे टेढ़े मेरे रिश्ते लेके आती है वो, ये नहीं देखा आपने? और वैसे भी जब आप खुद कहती हैं कि रिश्ते अल्लाह ताला बना, ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं, तो क्यों बंदों पे भरोसा करके बैठी हैं? और आप फिक्र ना करें अम्मी, हो जाएगी मेरी शादी। मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ कि तुम्हारी शादी कब होगी, बल्कि मैं इस वजह से परेशान हूँ कि तुम अपने रवैये से किस किस को हर्ट करोगी। खुदा ना करे कि अल्लाह ताला को तुम्हारी कोई बात बुरी लग जाए तो। मेरी अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप गुस्सा नहीं करें ना। जब आप मुझसे खुश और राजी हैं तो मेरा अल्लाह भी मुझसे खुश और राजी है। और अब इतना गुस्सा ना क्या करें ना। सबा ठीक हो जा, ऐसी बातें ना किया कर। और आप इतना गुस्सा नहीं किया करें, गुस्से में आप बहुत ज्यादा हसीन हो जाती हैं। वो तो मैं हूँ। माँ क्या कर रही हैं आप? बैठी। अरे काम कर रही हूँ, काम करने दो मुझे। बैठे, मैं कर दूंगा सारे काम, बैठे। क्या हो गया? मेरी प्यारी सी अम्मा। हैं? यार सूरज कहाँ से निकला है? अपनी माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है। उठो, क्या बात है? एक ही तो माँ है मेरी, कौन सी दो तीन है? एक खेच के थप्पड़ मारूंगी। ये दो तीन की क्या बात कर रहे हो? करके तो देखे तुम्हारे अब्बा दो तीन, खाल खींच लूंगी उन दो तीन की भी तुम्हारे अब्बा के साथ साथ। माँ मजाक कर रहा हूँ मैं। मत किया करो मुझसे ऐसे मजाक। अब्बा पे क्यों गुस्सा निकाल रही? अब जाके पता चला मुझे उनकी शराफत का राज, क्यों वो इधर उधर नहीं देखते? अब इस उम्र में भी इधर उधर नजर उठा के देखेंगे? वैसे हैं कहाँ? कहाँ होंगे, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मस्जिद गए नमाज पढ़ने। तुम भी शर्म कर लो, कभी अपना सर सजदे में झुका लिया करो। सारा दिन घर पे बैठे रहे छुट्टी के दिन, फिर भी नमाज नहीं पढ़ के दी। अम्मा ये सर अब सजदे में तभी जाएगा जब खुदा उस हसीन तखलीक को तुम्हारे बेटे की मुकद्दर में लिख देगा। अरे अपनी हसरतों और ख्वाहिशों के लिए तो सभी खुदा के आगे सर झुकाते हैं, लेकिन कभी खुदा की मोहब्बत में भी सर झुका के देखो। अगर वो राजी हो गया ना तो बिन मांगी दुआ भी कबूल हो जाती है। अब तुम खुदा की किसी तखलीक की बात कर रहे थे, कौन सी हसीन तकलीफ, किसके बारे में? अम्मा कोई तो बात समझ लिया करो, क्या हर बात बतानी पड़ेगी तुम्हें? मुझे इल्हाम तो नहीं होगा ना बेटा? माएं जो है ना वो औलाद की हर खुशी को भांप लेती हैं। मैं जा रहा हूं। अरे सुनो तो, बात तो सुनो मेरी। पागल कहीं का, ये समझ रहा है कि मुझे इसकी पसंद के बारे में नहीं मालूम। इसे क्या पता, इससे ज्यादा तो मेरी आरजू है सबा को इस घर की बहू बनाने की। अल्लाह ताला वो दिन भी जरूर लाएगा। हाशिम भी वक्त पे आ जाता ना तो साथ खाना खा लेता, ना जाने कहाँ रह गया, देर लगा दी उसने काफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आ गए बरकरदार। सॉरी वो मैं जरा लेट हो गया था। हाशिम जल्दी से हाथ धो लो और खाना खा लो, ठंडा हो रहा है खाना। नहीं अम्मी मैं खाना बाहर खा के आया हूँ दोस्तों के साथ, मैं बस चेंज करके आता हूँ। अब्बू आपको बुआ आ रही है। बू? खतरे की बू। भाई को आजकल बाहर का खाना ज्यादा अच्छा लगने लगा है ना? अम्मी आप देख रही हैं ना, सबा फिर से मेरी टांग खींच रही है। अच्छा जैसे आप आसानी से अपनी टांग मेरे हाथ में दे देते, सब जानती हूँ मैं। अच्छा क्या जानती हो तुम बताओ। भाई क्या जानती हो, हमें भी तो बताओ। आपकी बहन हूँ, आपसे ज्यादा आपकी खबर है मुझे, तो मैं बता रही हूँ। हाँ भाई ने अपने ऑफिस में एक नई असिस्टेंट हायर की है, लड़की। तो तो ये बात इन्होंने आपको बताई थी? नहीं ना। वो ऑफिस की बातें घर में आके क्यों बताए? तुम हर वक्त मेरे बच्चे के पीछे लग जाती हो, मेरा बच्चा तो इतना सीधा साधा है। जलेबी? अरे अच्छा अपनी बस चेंज करके आता हूँ। या भाई जलेबी चेंज करने के लिए। जी मामा। जवाब
बेटा जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मामा बस मैं 5 मिनट दूर हूँ घर से। जी जी मैं आ रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है बेटा। नहीं ठीक है, हाँ भाई चलो मैं बाद में बात करता हूँ। चाय पी के बताएं कैसी बनी है? मैंने बनाई। फिर तो बहुत बुरी बनाई होगी। भाई तो कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो कब मिलवा रहे हैं? किससे भाई? जो आपको बहुत अच्छी लगती है। मैं चाय की बात कर रहा हूँ सबा। लेकिन मैं तो उस लड़की की बात कर रही थी जो आपकी असिस्टेंट हायर हुई है। भाई रिलैक्स, अपना वादा तो याद है ना, आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे। अच्छा मामा ठीक है। तो कोई लड़की पसंद आई मेरी लाडली को? कहां अम्मी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाने के बाद ना खूबसूरत लड़कियां बनाना ही बंद कर दी। कुछ तो खुदा का खौफ करो लड़की, ना ही हाशिम के लिए कोई अप्सरा उतरेगी और ना तुम्हारे लिए कोई आसमान से शहजादा। जमीन पे रहकर ना आसमान पे उड़ने के ख्वाब छोड़ दो। और बेटा इस दुनिया में कोई भी शख्स मुकम्मल नहीं होता। कैसे नहीं होता? मैं हूं ना मुकम्मल, एकदम परफेक्ट हूं मैं, और मुझे अपने लिए एकदम परफेक्ट लड़का चाहिए। क्या कमी है मुझ में या हाशिम भाई में? हाशिम का तो मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमी पता है क्या है? तुम में दिमाग की कमी है। तो मेरी प्यारियां, मुझे लड़का भी कम दिमाग वाला चाहिए, लेकिन मेरे मैच का तो होना इक्वल। अल्लाह कहां से लाऊं मैं इसकी पसंद का लड़का? मिल जाएगा जल्दी, क्या है। रिलैक्स समझो। जी बेगम सर। बहुत जवान से आपकी गाड़ी का हॉर्न बजा था, कहाँ है वो? वो बाहर लॉन में। अच्छा ठीक है चलो। जवाब तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे बाबा तुम्हारा पूछ रहे हैं। जी मामा बस आप चले, मैं दो मिनट में आ रहा हूँ। जवाब तुम ऐसे क्यों हो, वहम को अपने दिमाग से हटा क्यों नहीं देते? सही या गलत ये इंसान के इख्तियार में नहीं है, सब कुछ अल्लाह ने पहले से ही तय किया हुआ है। मामा जब आप जानती हैं तो फिर क्यों पूछ रही हैं? जो टाइम सही नहीं है ना वो नहीं है बस, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बाबा को कोई नुकसान पहुंचे या फिर हमारे घर पे किसी किस्म का कोई अजाब है। आप प्लीज चले मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुने सुने, डॉक्टर कॉल की? आए थे चेक करके गए, क्योंकि तुम्हारे बाबा मेडिसिन नहीं ले रहे। अच्छा चले चले चलते हैं, आ जाओ बाबा ऊपर। मिली हर खुशी हंसी जिंदगी।